चलिए चलते हैं, हमारे साथ जाने माने कारोबारी नवीन जिंदल जुड़ रहे हैं। नवीन जिंदल कारोबारी तो हैं ही, साथ ही उन्होंने देश के हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार भी दिलवाया है। जिंदल फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। तो स्वागत है जिंदल जी आपका। सबसे पहला सवाल, आपको बधाई। आज देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, 75वां सालगिरह मना रहा है, और इस मौके पर जो हर घर चरण तिरंगा फहराने का अभियान है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी बड़ी भूमिका है। हर नागरिक को वो अधिकार जो मिला। विकास जी, मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है, और मेरा ये 30 साल से सपना था कि देश के हर घर के अंदर देश का सबसे पावन प्रतीक तिरंगा झंडा दर्शाया जाए, तिरंगा झंडा फहराया जाए। क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति तिरंगा झंडा जब दर्शाता है, तो वो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति प्रांत से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतवासी है, सच्चा भारतीय है, उसे अपने देश से प्यार है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, उसमें अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आम नागरिक उसका बिना झिझक और बिना डरे इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ खास मौक़ों पर ही इस्तेमाल कर सकता है। आपने हर घर हर व्यक्ति अपना तिरंगा अपने घर पर फहरा सके, अपने दफ्तर पर फहरा सके, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। क्या आगे भी इस तरह की लड़ाई लड़ने का आपका कोई विचार है? जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका में जो झंडे का इस्तेमाल है, वो बेझिझक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कर सकता है। तो विकास जी, मैं आभारी हूँ भारत सरकार का कि पिछले महीने जो भारत सरकार ने जो इसमें झंडा संहिता में, यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में जो संशोधन किए, अब उसके बाद कोई भी संदेह या संशय जो है नहीं रह जाता। उन्होंने बहुत इसका सरलीकरण कर दिया। वैसे तो ये काम 2010 में ही हो गया था, लेकिन 2010 में होम मिनिस्ट्री ने, मैंने पत्र लिखा था, उसके जवाब में उन्होंने इन दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया था कि झंडा जो है किसी भी फैब्रिक का बन सकता है। जरूरी नहीं है कि नायलन या वूलन हो या सिल्क का बना हो, हैंड वूवन हो, ये किसी भी फैब्रिक का बन सकता है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। दूसरा था कि अगर आप रात को झंडे को नहीं उतारते शाम को, तो इसके अंदर ना तो कोई झंडे का अपमान है, ना ही कोई इसमें कानून का उल्लंघन है। लेकिन अब झंडा संहिता के अंदर जो सरकार ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप झंडे को आप दिन रात इसको दर्शाएं और किसी भी फैब्रिक का हो, इससे मैं समझता हूँ कि एक जो है बहुत अच्छा संदेश गया है। और लोगों में जो एक डर था कि कहीं कुछ त्रुटि ना रह जाए, कोई केस ना कर दे, वो सब अब समाप्त हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ करके जो है अभी लोग झंडा फहरा रहे हैं। और जो एक जो मुहिम जो एक कचहरी सरकार ने कि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त को, तो मेरा ये सपना है कि सिर्फ 13 से 15 अगस्त 3 दिन ही नहीं, बल्कि हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा। तो हर रोज क्यों ना हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शाएं और उससे प्रेरित होकर के हर रोज हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। आजकल तिरंगे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आरएसएस पर सवाल उठाए कि उन्होंने लंबे समय तक तिरंगा अपने नागपुर में अपने जो केंद्र है वहाँ पर नहीं फहराया। वहीं केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी सवाल उठा चुकी है कांग्रेस। आपको लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, 75 वर्ष पर तिरंगे को लेकर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि तिरंगे को लेकर कोई राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति, सपोज उन्होंने पहले 50 साल 60 साल कोई भी अगर नहीं झंडा फहराया, लेकिन अगर आज वो झंडा फहराने को तैयार हैं, तो हमें उस बात का भी स्वागत करना चाहिए। और अगर जो है आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो अपने झंडे को छोड़ करके अगर राष्ट्रीय झंडे की बात कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप राष्ट्र का सबसे पावन प्रतीक फहराओ दर्शाओ, तो मेरे को तो बहुत खुशी है इस बात की। मुझे, मैं समझता हूँ कि उसको हमें जो है हमें उसको अच्छी स्पिरिट से, हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तिरंगा झंडा फहराना दर्शाना ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है। सिर्फ झंडा फहराने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। बड़ी आबादी ये है शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियाँ दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये है इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।